हेलो गाइस, आज हम आपको रिसर्च पेपर के बारे में बताते हैं जो एमएड फोर्थ सेमेस्टर में बनाया जाता है, जो यूनिवर्सिटी ने इस ईयर स्टार्ट किया है। जैसे कि हम रिसर्च पेपर का कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे हमने लिया है श्रीमद् भगवती गीता में तनाव प्रबंधन, अवसर एवं चुनौतियां सेशन। यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं इस टाइप से। ओके, जैसे हमने ये लिया है फर्स्ट श्रीमद् भगवती गीता में तनाव प्रबंधन, अवसर एवं चुनौतियां। हम इसमें मेनली कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। और हमने ये वाला रिसर्च पेपर अपना बनाया है भारतीय शैक्षिक शोध पत्रिका के ऊपर। जैसे उसमें हमने देखे उसी के पैटर्न फॉलो किया है हमने। उसमें ऐसे ही बनाए जाते हैं, उसमें एब्स्ट्रैक्ट भी लिखा जाता है और रिसर्च पेपर के बारे में। जैसे हमने ये लिखा है, हमने तनाव प्रबंधन के बारे में लिखा है, तो हमने थोड़ा सा पहले तनाव के बारे में बताया है। फिर तनाव प्रबंधन यानी कि तनाव का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताया। और ये टॉपिक हमने श्रीमद् भगवती गीता से रिलेट किया है, तो हमने इसमें श्रीमद् भगवती गीता में तनाव प्रबंधन कैसे किया जाता है वो सारी चीजें ली हैं। मेन बात हमने वो ली है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में तनाव में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनका तनाव दूर किया था अपने उपदेश से और उन्हें समझाया था कि तनाव लेने से कोई काम अच्छा नहीं होता है, धैर्य रखो, चिंता मत करो, अपने आप को तनाव से मुक्त करो, तभी तुम तनाव से दूर हो सकते हो। तनाव से दूर होगे तो सारे काम अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे इसमें चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई सहंसा होए। फिर हमने इसमें तनाव प्रबंधन के बारे में श्रीमद् भगवती गीता तो बहुत ही पुराना ग्रंथ है, ये महाभारत से निकला है, महाभारत का सार है। इसे संजय ने धृतराष्ट्र जी को सुनाया था। फिर हमने इसकी रेफरेंसेस लिखे हैं, रेफरेंसेस हमने लिखे हैं इसके। इसके बाद हमारा ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। ओके गाइस, थैंक यू।